मोदी जी अगर 10 बार चुनाव करेंगे ना तब भी मोदी जी जीत जाएंगे। उसका एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ में देख चुके हो। चंडीगढ़ का चुनाव 36 वोटों का चुनाव था, ठीक। और मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी किस नीति पर चुनाव लड़ते हैं ये चंडीगढ़ में पता चल गया कि चुनाव आयोग से सेटिंग है। हर आदमी बिका हुआ, हर अधिकारी बिका हुआ है। उस अधिकारी ने क्या किया, अपनी गलती मानी ना कोर्ट में, क्या बिगाड़ लिया उसका सरकार ने, कौन सा नोटिस जारी किया, कौन सी CBI, कौन सी ED गई, क्या सवाल उठे हैं उस पर, क्या हुआ उस अधिकारी के साथ, कौन सी कार्रवाई हुई। तो चुनाव तो मोदी जी जीतते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन भी अगर मोदी के अगेंस्ट चुनाव आके लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है, हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी राम मंदिर वो सब में आस्था रखते हैं भोले नाथ में, लेकिन इन चीज़ों से आदमी का भला नहीं होना। बीजेपी तो दावा करती है ना हम हिंदू को जगाने आए हैं। हाँ, जगाने आए हैं, ये कोई जगाने ना आए। ये लोकतंत्र के लिए रिस्की बात है, अब की बार 400 पार। मोदी जी देश के लिए क्या करेंगे वो बताओ यार, 400 पार क्या, 400 पार का क्या करें। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना विकसित भारत बन रहा है हर जगह, कहाँ है हंगर इंडेक्स में, कहाँ है पर कैपिटा इनकम में, कहाँ है विकसित भारत बन रहा है। अभी लोग विकसित भारत की परिकल्पना ऐसे बताते हैं, हम कहते हैं भारत में पेट्रोल महंगा है तो लोग कंपैरिजन में लाएंगे कि पाकिस्तान में भी महंगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 276 रुपये पर लीटर है और इंडिया में 98 रुपये है, और इंडिया की करेंसी से पाकिस्तान की करेंसी 1/3 है। तो इस हिसाब से अगर पाकिस्तान का पेट्रोल की कीमत इंडियन करेंसी में निकालोगे तो 82 से 85 रुपये निकलती है। तो ये बताओ महंगाई कहाँ ज़्यादा है, पाकिस्तान एकदम भुखमरा देश, बर्बाद देश, वहाँ पेट्रोल इंडिया से सस्ता मिल रहा है लेकिन इंडिया में महंगा मिल रहा है। तो एक बेकार से बेकार का देश जिसकी इकोनॉमी चौपट है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, दुनिया थू थू कर रही है, वो कंट्री अपने देश के लोगों को इंडिया के कंपैरिजन में पेट्रोल सस्ता दे रहा है परसेंटेज वाइज देखोगे, लेकिन एक विकसित देश जो विकसित विकास की ओर अग्रसर हो रहा है वहाँ के देश टैक्स ज़्यादा ले रही है पेट्रोल पर, तो कौन सा विकास हो रहा है। ये विकास धर्मवाद के मुद्दे पर हो रहा है, मोदी जी असल मुद्दों से भटका रहे हैं देश को, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, सब मूर्ख बातें हैं। लोग तो कह रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह लोगों की आय भी तो बढ़ी है। महंगाई और आय में रेशो जो अनुपात है वो बहुत कम है। आय तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी मनी इन्फ्लेशन होगा तो ठीक है, आय तो वैसे भी बढ़ती है, आय का बढ़ना तो कॉन्स्टेंट है ठीक, लेकिन महंगाई को तो स्थिर रखना होता है। आप किसी भी कंपनी में जब सर्विस देते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तजुर्बा बढ़ेगा ठीक, आप उसके लिए लॉयल हो जाओगे, तो आय का बढ़ना तो कॉन्स्टेंट है कि आय बढ़नी ही होती है, लेकिन महंगाई कॉन्स्टेंट नहीं होती ना। चीनी कल भी 1 किलो में वजन जितना आता था आज भी उतना ही आता है, तो उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है। इंसान कल 10 पीस निकालता था कोई टेलर, जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो 12 पीस 15 पीस निकालेगा, तो जाहिर सी बात आय बढ़नी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट है जो सर्विस है वो तो लिमिटेड ही रहती है ना, तो वो क्यों बढ़ रही हैं भाई। आय तो एक जनरल चीज़ है बढ़ेगी, लेकिन आय के हिसाब से महंगाई का अनुपात ज़्यादा है। महंगाई अगर इतनी बढ़ी है तो आय इतने से इतनी बढ़ी है। अभी ध्रुव राठी की एक वीडियो वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में, क्या सच में लगता है मोदी जी के राज में ऐसा हुआ है। मोदी जी के राज में ऐसा हो चुका है, ध्रुव राठी कुछ गलत नहीं कह रहा ठीक है, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं, ख़त्म ही हो चुकी है लगभग। इसका अगर आपको जायजा लगाना है तो यूपी में यूपी के मुख्यमंत्री को किसी पत्रकार से कुछ बुलवा के दिखाओ, कुछ भी, कोई भी आलोचना करके दिखाओ। जब हाथरस जैसा कांड हुआ था वहाँ पर एक पत्रकार सिर्फ नॉर्मल रिपोर्टिंग करने गया था, और वहाँ के पत्रकार ने एक सवाल उठाया था वहाँ के DM पर, उसको पूरे 1.5 साल जेल में गुजारना पड़ा सवाल पूछने पर। तो ये डिक्टेटरशिप ही तो है, डेमोक्रेसी तो ख़त्म हो चुकी ना। मीडिया असल भूमिका से दूर है, आज की मीडिया योगी सरकार से या मोदी सरकार से सवाल नहीं कर सकती, ना कर पा रही है, चाह कर भी नहीं कर पाएगी। चैनल बिक जाता है, पत्रकार नहीं बिक रहे ठीक, देखो पूरा चैनल किन शेयर किन का है। तो डेमोक्रेसी तो खैर दूर दूर तक नहीं है, तो ये एक नई डेफिनेशन है जनता द्वारा, जनता की ऐसी तैसी, इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी और कुछ नहीं। मोदी जी तो अभी कह रहे हैं ना कि पहले दुनिया में भारत कोई नहीं जानता था, विश्व में डंका बज रहा है। भारत दुनिया के नक्शे में था कि नहीं था, पूर्वी देशों में भारत था कि नहीं था भाई, भारत न्यूक्लियर पावर बना तब भारत था कि नहीं था। APJ अब्दुल कलाम जो थे वो पूरी दुनिया पहचानती है, पूरा भारत पहचानता है ठीक, तो मतलब बिना जाने था भारत की भौगोलिक ज़मीन, बिना जाने था। हरित क्रांति के बाद भारत पूरी दुनिया को 60% अनाज एक्सपोर्ट करता है, तो मोदी जी के आने के बाद हुआ है ऐसा नहीं ना भाई। भारत अगर पहचान मिली है तो पहले जो इंडियन रुपये था वो 65 रुपये का डॉलर था, आज 84 रुपये का है। पहचान मिली तो डॉलर और सस्ता हो जाना चाहिए था, 30-35 रुपये का एक डॉलर होना चाहिए था। मोदी जी ने कैसी पहचान दी है कि भाई इन्फ्लेशन के मामले में इंडिया की करेंसी पिछड़ती चली गई, बांग्लादेश के मुकाबले पिछड़ती जा रही है, कैसी पहचान दी है। किसी पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं है, कैसी पहचान दी है बताओ मुझे। जब इतने काम नहीं कर रहे मोदी जी, 2 बार जीत चुके, 3री बार जीतने का दावा कर रहे, तो यह कैसे हो गया, पॉसिबल कैसे हुआ।
देखिए मोदी जी अगर 10 बार चुनाव करेंगे ना तब भी मोदी जी जीत जाएंगे, उसका एग्जाम्पल आप चंडीगढ़ में देख चुके हो। चंडीगढ़ का चुनाव 36 वोटों का चुनाव था, ठीक, और मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी किस नीति पर चुनाव लड़ते हैं ये चंडीगढ़ में पता चल गया कि चुनाव आयोग से सेटिंग है। हर आदमी बिका हुआ है, हर अधिकारी बिका हुआ है। उस अधिकारी ने क्या किया, अपनी गलती मानी ना कोर्ट में, क्या बिगाड़ लिया उसका सरकार ने, कौन सा नोटिस जारी किया, कौन सी CBI कौन सी ED गई, क्या सवाल उठे उस पर, क्या हुआ उस अधिकारी के साथ, कौन सी कार्रवाई हुई। तो चुनाव तो मोदी जी जीतते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन भी अगर मोदी के अगेंस्ट चुनाव आके लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि मामला चुनाव मुद्दों पर है ही नहीं। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा तो वही है देश का, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, यही मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ नहीं रहे, देश मंदिर मस्जिद की ओर चल पड़ा है। इस देश के लोगों को स्कूल हॉस्पिटल से ज़्यादा मंदिर मस्जिद चाहिए, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव। मात रहे पहले 7 एम्स थे और अभी 22 एम्स है, क्या बोलेंगे? तरक्की तो हो रही है ना देश की। 7 एम्स कब से कब थे, लोग बताते हैं 47 से लेके अब तक थे। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब 1991 तक भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, तो जितनी भी डेवलपमेंट कंपनियां, फैक्ट्रियां, डिजिटल क्रांति आई है वो 91 के बाद आई है। तो अगर लगा रहे हो कि 91 से 2014 तक 7 एम्स बने जब देश में कुछ भी नहीं था बिगिनिंग से, ठीक, तो भी बहुत बड़ी बात है, जबकि 1 एम्स 1953-54 में ही बन गया था। तो ऐसा नहीं है, रफ्तार थी, अब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में टाइम लगता है, ठीक है। और अभी जो 19 एम्स हैं वो कम्प्लीटली बन के तैयार थोड़ी हुए हैं, उनमें से परफॉर्मिंग कितने हैं वो पता करने पड़ेंगे। परफॉर्मिंग है 12 एम्स, ठीक है, और बाकी के एम्स में अभी कैंपस चालू हुआ है बस। 2024 में कौन आएगा ये बताइए? मेरे हिसाब से तो भाई मोदी जी ही आ रहे हैं 2024 में, क्योंकि चुनाव आयोग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के अध्यक्ष का गठन भी सही तरीके से नहीं हुआ, और इसके अलावा मीडिया अपनी मुख्य धारा में नहीं है, सरकार से मेन मुद्दों पर सवाल हो ही नहीं रहे। क्या लगता है भाई 24 में कुछ बोलेंगे मोदी जी आएंगे? विकास हुआ है इतना तो नहीं पता, बस मोदी जी आएंगे इतना, मतलब अपडेटेड रहते नहीं है राजनीति वाले। मुद्दा अगर किस मुद्दे पर वोट देंगे, अगर देंगे मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर पे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना ज़्यादा अपडेट हो चुका है, पहले जितना जाम वाम में फंसते थे उतना नहीं फंसते हैं अब। यानी कहना चाहें पहले से ज़्यादा तरक्की हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीज़ से मैं अपडेटेड रहता हूँ, और ज़्यादा इतना राजनीति वाले इसमें अपडेटेड रहता नहीं हूँ। क्या बोलेंगे भाई 24 में कौन है, किसकी सरकार बनेगी? बाबा की सरकार आ गया यार, क्या बोल रहे हैं? बाबा की सरकार बनेगी, योगी बाबा की। 2024 में योगी और मोदी की सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ। 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? 10 साल मोदी जी बड़े अच्छे से रहे, पूरे देश को संभाला और लॉकडाउन में बड़े सहयोग दान करा। तरक्की हुई कुछ देश की? तरक्की तो हुई नहीं, लेकिन उन्नति भी नहीं हुई? नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है तरक्की। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर ये बोलना चाहते हैं कि सस्ताई को थोड़ा गिराए, क्योंकि रोजगार नहीं है, आदमियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो कमाएंगे खाएंगे कैसे, बस इतना कहना चाहते हैं। क्या लगता है चाचा किसकी सरकार आएगी 24 में? मोदी जी की आएगी। मोदी जी क्या है, कुछ हुआ है विकास? अरे क्यों नहीं है, बहुत विकास हो रहा है। क्या क्या? अरे सब देख ही रहे हम तो, सब विकास हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं खुद ही हर चीज। कुछ बात करें और क्या क्या विकास हुआ जैसे? और जैसे कि मान अमित शाह जी से, हाँ ये अमित शाह जी, अरे आइए, वो तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, भाग रहे आप। क्या लगता है 2010 साल कैसे रहे मोदी जी के? बहुत कष्ट झेल के रहे। कष्ट झेलते रहे? भैया कह रहे कि बहुत अच्छे रहे वो। नहीं, बहुत कष्ट झेले, बहुत प्रशासन यहाँ का, पुलिस वाले बहुत बाहर लोगों से ठगी कर रहे, टेम्पू वालों को बहुत परेशान कर रहे, और पुलिस वालों की नौकरी 4 साल की होना चाहिए और 10 साल और पुलिस वालों की तो हर महीने में बदला ही होना चाहिए। तो योगी जी सर आए हैं तब से तो हवा टाइट कर रखी है। हवा तो टाइट कर रखी है, शूटर पकड़े जा रहे हैं, बस चोर की वो कर रहे हैं, जो बाबा पे दंड दिया बिन के साथ वो कर रहे हैं। अतीक अहमद मारा गया, वो गलती इसलिए हुआ, बाबा को कोर्ट में सजा देते और कानून से मारा, जो लोगों से मरवाया है वो बाबा ने अपना पुरानी रंजिश निभाई है और बजरिए से मरवाया है बाबा ने। विकास हुआ कि नहीं ये बताइए? विकास के लिए कोई 8 साल में जगह जगह टिकरी लग रही है, रोड नोएडा NCR की सबसे ज़्यादा कमाई नोएडा महानगर से है, इतना स्थिति खराब है, कौन से चोटपुर से लेके बेलोरपुर, बहरामपुर, खोड़ा तक इधर चले जाओ, इतनी व्यवस्था खराब है। 20 लाख का मकान ले लिया मगर
हजार रुपए की गिट्टी नहीं डलवाई, इतनी रोड खराब है। नगर प्रधानी के चुनाव खत्म हुए तब से कोई तरक्की नहीं हो रही है जहाँ के गाँव में। मोदी जी तो कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, हर जगह कहीं भी जाओ विश्व में डंका बज रहा है। डंका तो बज रहा है जो राम मंदिर बन गया, इसलिए लोग डंका बजा रहे हैं। जो लोग करेंगे वो जनता के बस खुश नहीं है क्या? राम मंदिर बन बहुत खुश है सभी लोग है, सामाजिक स्तर की बात है और सबका सहयोग है और सबके अच्छा हुआ है जो काम हुआ है। वो महंगाई और बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, जो अब जाने 8 साल में कोई वैकेंसी निकाली हो तो बताओ। नेपाल की भी भर्ती हुई है, वो 10 लाख रुपए दे के हुई है। 24 में किसकी सरकार देखनी चाहिए? हम तो अखिलेश भैया को बुलाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। हाँ जी, क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा? ये तो एक तरफा सरकार चल रही है, विपक्ष तो है ही नहीं कोई, खत्म ही है। खत्म है राहुल गांधी जो भारत जोड़ो कर, तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की। आर्मी एक हमारी जो मजबूत सेना है वो भी उसके भी हाथ, अग्निवीर के बारे, अग्निवीर खत्म कर दिया। 4 साल में क्या करेगा एक जवान वहाँ जाके? कांग्रेस ने दावा किया है ना कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर खत्म करके वो पुरानी वाली व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था पेंशन दोबारा रिप्लेस होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन। तो आपके हिसाब से मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? मोदी जी के 10 साल हवा हवाई रहे, विदेश यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, कोई जमीनी स्तर पर कोई काम किया मोदी जी ने? मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि बहुत विकसित हो रहा है हमारा देश। कह दूंगा अगर मैं भी वहाँ बैठ जाऊँ जाके, तो विकसित कहाँ होगा? विकसित के लिए तो अभी 20-25 साल पड़े हैं, कहाँ विकसित हो रहा है? तुम्हें विकास दिख रहा है? यहीं देख लो, अभी अगर बारिश हो जाए तो यहीं इतना इतना गड्ढा पानी, बताओ। किसान अन्नदाता देश का क्या करा किसान के लिए? मोदी जी बोल रहे थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी कहाँ रही? कितना खर्चा आ रहा है खेती पे, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा, पूरी पूरी साल में किसान मेहनत करता है उसके बाद भी गन्ना डाल के अपना क्या कर रही है सरकार? पैसे नहीं, उन्हें बताया जा रहा है कि नकली है, फंडेड कर रही है कांग्रेस, उन्हें नकली किसान बताया जा रहा है। सिर्फ पंजाब के ही तो किसान है, हम खुद किसान है, खुद किसान। हाँ, कैसे देखते हैं ये जब हम अपना फसल बेच रहे हैं, अभी मैं मार्केट से चाय पी रहा हूँ तो पहले पैसे ले रहा ना दुकान वाला, हम गन्ना बेच के आ रहे हैं तो हमारे तो पैसे पता ही नहीं है माल का, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो बताओ किसान की आय दोगुनी कहाँ से हो जाएगी और उस पर खर्चा कितना आ रहा है ये बताओ। यूरिया की क्वांटिटी कम करके दाम बढ़ा दिया, 50 की जगह 45 किलो कर दिया और 225 की जगह 270 रुपये कर दिया, बताओ कैसे आय दोगुनी करेंगे मोदी जी ये बताओ। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो उच्च स्तर पे है, आसमान छू रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, जिस तरह से लोगों की दिख रहा तो वो तो बोलेगा ही। ये ठीक है, हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी राम मंदिर वो सब में आस्था रखते हैं भोलेनाथ में, लेकिन इन चीज़ों से आदमी का भला नहीं होना। बीजेपी तो दावा करती है ना हम हिंदू को जगाने आए हैं। हाँ, जगाने आए हैं, जगाने आए हैं, ये कोई जगाने ना आए, बस अपना राज कर रहे हैं। तानाशाही, तानाशाही चल रही है, समझे? क्या बोलेंगे भाई मोदी जी के 10 साल कैसे रही है बताइए। अरे मुझसे ना बात हो मोदी जी।